इस पीरियड में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपको खानी है जिससे कि आपको ओवल्यूशन बहुत अच्छा होगा इस महीने, और उसके बाद जब आप रिलेशन बनाएंगे, प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, उसके बाद जब आपका इम्प्लांटेशन होगा तो वो सक्सेसफुल होगा, और जो गर्भ चिपकेगा जाके यूट्रस में वो एकदम हेल्दी होगा, हेल्दी एम्ब्रियो बनेगा, स्वस्थ एम्ब्रियो बनेगा। और जो चीज़ें मैं बता रही हूँ अगर ये आप लेते हैं अपनी डाइट में, तो इससे आपको यूट्रस भी आपका मजबूत हो जाएगा, ताकि जो गर्भ चिपकेगा यूट्रस में वो अच्छे से वहाँ पे जाके स्टिक होगा, मिसकैरेज हो जाना, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो क्या है वो खास चीज़ें जो कि आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, जो कि आपको कि पीरियड टाइम से स्टार्ट करना है ताकि आपका ओवल्यूशन इस महीने अच्छा हो जाए। अगर अभी तक आपको ये चीज़ें नहीं पता है, आप परेशान हैं कि ओवल्यूशन नहीं हो रहा, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, या फिर गर्भ चिपकता है, टेस्ट पॉजिटिव आता है, फिर ब्लीडिंग हो जाती है, तो ये सारी समस्याएं आपकी इस वीडियो से दूर हो जाएंगी। वो खास चीज़ें बताने जा रहे हैं जो कि आप अगर डाइट में इस महीने अपने शामिल कर लेते हैं तो ओवल्यूशन अच्छा होगा, अच्छे ओवल्यूशन में अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होगा, और जो एम्ब्रियो जाके इम्प्लांट होगा वो भी हेल्दी होगा। तो अगर हेल्दी एम्ब्रियो बनेगा, अच्छे से स्टिक होगा यूट्रस में, तो प्रेगनेंसी भी ऑब्वियसली हेल्दी ही होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिभा, और बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो काम आपको अपने इस पीरियड में करना है, जो भी आपकी पीरियड डेट है, अगर अभी नहीं आई है, आने वाली है, तो आपको बहुत अच्छी बात है, आपको स्टार्ट कर देना है। अगर आपके पीरियड टाइम चल रहा है ये, तो भी आप कर सकते हैं, ड्यूरिंग पीरियड अपने कर सकते हैं, ओवल्यूशन टाइम चल रहा है तो भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस महीने कंसीव हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ओवल्यूशन के बाद पीरियड्स का टाइम आता है फिर से, तो आप फिर से उस टाइम पर भी इसको शुरू कर सकते हैं। तो आप इसको कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, रिज़ल्ट आपको एक महीने में ज़रूर मिल जाएगा। जो चीज़ें आपको आपके पीरियड टाइम से स्टार्ट करनी है, तो जब भी आपका पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो उसी समय से आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है, वो है पहले तो फॉलिक एसिड है, और दूसरा मल्टीविटामिन्स है। फॉलिक एसिड मल्टीविटामिन्स की बहुत सारे लोग ऑलरेडी टैबलेट ले रहे हैं, बहुत हेल्पफुल होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने में, मिसकैरेज को रोकती है, एम्ब्रियो की क्वालिटी को अच्छा बनाती है, इसको मेल्स भी ले सकते हैं, उनके स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये चीज़ आपको आपके पीरियड टाइम से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि फॉलिक एसिड मल्टीविटामिन्स आपको रेगुलरली लेना है। इसके लिए किसी भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने फॉलिक एसिड मल्टीविटामिन की हेल्प से कंसीव भी किया है, हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव की है। और जो चीज़ें आपको शामिल करनी है आपके पीरियड टाइम से ही अपनी डाइट में, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जिनमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। अगर फ्रूट की बात करें तो जैसे कि कीवी है, एवोकैडो है, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये ऐसा फ्रूट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये जो ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये आपके यूट्रस को मजबूती देते हैं, जो गर्भाशय होता है, बच्चेदानी होती है, उसको मजबूती देते हैं। इसके साथ ही अगर सब्जियों की बात करें तो पालक में केला, जो हरा केला आता है जिसकी सब्जी बनती है, उसमें भरपूर मात्रा में आयरन और फॉलिक एसिड पाया जाता है। फल की बात करें तो आप अपने फल में, जैसा कि मैंने बताया, कि एवोकैडो ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, ये भी बेहद हेल्पफुल होते हैं महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करने में, क्योंकि ये फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और जो इनफर्टिलिटी होती है महिलाओं में उसको कम करते हैं और रोकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में बात करें तो अखरोट और किशमिश, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं महिलाओं के लिए। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छी मात्रा में होता है, अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और कद्दू के बीज में भी ये बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ये सारी चीज़ें, कोई ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है, अगर आप कोशिश करें, अगर आप चाहें अपनी डाइट में शामिल करना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फर्टिलिटी अच्छी हो, बच्चा जो जो आप प्रेगनेंसी प्लान करें उसमें बच्चा की ग्रोथ अच्छी हो, हेल्दी बेबी हो, तो इसके लिए आपको ये थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे कि पीरियड टाइम से ही आपको अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको सब्जियों में पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी अच्छी अच्छी सब्जियाँ हैं, जैसे कि ब्रोकली है, पालक है, और केले की सब्जी है, ये सब्जियां बेहद हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा और भी सब्जियां होती हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होती हैं महिलाओं की फर्टिलिटी बढ़ाने में। और फ्रूट्स में बात करें तो एवोकेडो है, बनाना है, और कीवी है, ये बेहद हेल्पफुल होते हैं महिलाओं के लिए,
यूट्रस को मजबूती देते हैं। और इसके अलावा अगर और जो है उसमें अलसी के बीज, अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कद्दू के बीज होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं यूट्रस को मजबूती देने के लिए और यूट्रस की कमजोरी जो है दूर करने के लिए कद्दू के बीज को बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप सीधे कद्दू की सब्जी को बना सकते हैं बिना बीज हटाए, अगर आप पूरी उसकी सब्जी बना के बीज सहित खाते हैं तो भी वो बीज आपके बॉडी में अंदर जाएंगे जो कि आपकी यूट्रस को मजबूती देंगे। और ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं ये आप अपने पार्टनर के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जो आप खा रहे हैं जो आपको बताया जा रहा है ये आपको अपने पार्टनर को भी खिलाना है, क्योंकि अगर आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी तो उनके भी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी। और एक अच्छा एक अच्छे क्वालिटी का अंडा और एक अच्छे क्वालिटी का स्पर्म जब आपस में मिलेंगे तो जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी एक बेहद अच्छी क्वालिटी का होगा, तो फिर तो प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और बाकी जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इसको लेने से आपके यूट्रस में ताकत आएगी, कमजोरी दूर होगी, तो फिर जो अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो बनेगा वो एक अच्छे यूट्रस में जाकर के, अच्छे मजबूत यूट्रस में जाके वो स्टिक होगा, तो फिर तो पूरी प्रेगनेंसी कोई भी प्रॉब्लम को नहीं होने वाली, ये सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। तो ये जो डाइट मैंने बताई, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या खाएं क्या करें मैम बता दीजिए कुछ बता दीजिए, तो इस वीडियो के थ्रू मैंने बता दिया है आपको, सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं कि आपको क्या क्या अपनी डाइट में शामिल करना है। ये सब आपको पीरियड से ही टाइम से ही शुरू कर देना है, इससे आपका ओवल्यूशन अच्छा होगा, फर्टिलिटी आपकी बढ़ेगी, फिर जब उस टाइम पे आप रिलेशन बनाएंगे तो आपका इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आपको कंसीव करने के बाद फिर से ब्लीडिंग आ जाना, मिसकैरेज हो जाना, ग्रोथ ना होना बच्चे की, ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए मिलते हैं एक खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।